नमस्कार मित्रों, आज हैं 30 अप्रैल सन 2023। है आज और अच्छा खासा संडे का मौसम था और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर थे। और अभी अभी मौसम ने भारी करवट ली है, आधी तूफान के साथ बारिश के छींटे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। देखिएगा, यह लाइनअप काफ़ी तेज़ गति से चल रही है जो और यह वापसी देखिए आप, अभी दिन के मुश्किल से 11 बजे हैं और वापसी देखिए, इतनी जल्दी वापसी हो चल रही है। देखिए देखिए, दौड़ दौड़ के लोग जा रहे हैं। वापसी देखिए आप, कभी ऐसा भी होता है, यह तरह से भी दिखने को मिलता है, जबकि 11 बजे इतनी बड़ी संख्या में वापसी नहीं होती है। और काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर खुला आसमान है, चारों तरफ बारिश है, छोटी छोटी दुकानें हैं, इसके बावजूद भी कई लोग वापस बड़े स्पीड में जा रहे हैं। आज हमारे दृश्य वापसी को लेकर ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, अब वापसी को लेकर ही ज़्यादा बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मौसम को लेकर हमेशा सावधान रहें। कहने का मतलब ये भी है कि जब भी कहीं यात्रा करें और ख़ासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो देखिए अब इस समय पुल खाली हो चुका है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान होता है। जैसे आजकल बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को यात्रा करने में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पास बरसाती वगैरह रखनी चाहिए, छाता, इधर छाता किसी के पास नहीं है, लोग कभी धूप में खड़े होते हैं, आज बारिश में खड़े हैं और ये लाइन फटाफट कम होते जा रही है, एक बहुत स्पीड से लाइन आगे बढ़ रही है। और ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए, यहाँ जो लोग नहा रहे थे, स्नान इत्यादि कर रहे थे, वो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। देखिए बारिश में भीगना कोई नहीं चाहता, कोसी नदी में 3 घंटा लोग नहाते हैं, ज़रूर हैं, मस्ती करते हैं खूब, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो लोग मैदान छोड़ देते हैं और कोसी नदी को छोड़ के हट जाते हैं, तो वही स्थिति यहाँ भी बन रही है, सारे लोग वापस आ रहे हैं। और अभी भी अब देखिएगा, ये एक बार फिर से वापसी वाले यात्री बड़ी स्पीड में निकल रहे हैं यहाँ से। ये पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी वगैरह हुई है, मौसम ने करवट लिया है, आज 30 अप्रैल हो गई है अभी, जबकि मई जून की गर्मी को कहते हैं, काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। कई लोग बारिश में भी अटखेलियाँ कर रहे हैं सामने, देखिए आज हम भी आपके सामने आ जाते हैं। और कोटाबाग नैनीताल एरिया में भी आज बारिश हो रही है, उधर का सीन दिखाई दे रहा है सामने, उधर भी बारिश है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज काफ़ी बादल है, अभी बिजली भी कड़क रही है और वापसी वालों का दौर देखिए अभी चालू है, ये बिजली कड़क रही है, देखिए यह है आज मौसम का हाल। अच्छा खासा काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं संडे के लिए। और यहाँ से कुंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर दुर्घटना वगैरह हो जाती है कभी कभी, यहाँ से माइक में बोला जाता है। और उधर आज लोगों को हटा, उधर कोई भी नहीं है, एक सीमा रेखा से नीचे जो जाएगा तो उसके लिए अनाउंस करना पड़ता है कि यहाँ से हटिए, क्योंकि उससे आगे को जा कर के एक गहरा कुंड भी पड़ता है, तो इन बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। क्षेत्र के दुकानदार लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वहाँ से लोगों को हटाते हैं। और लोग बाग काफ़ी स्पीड पकड़ी है लोगों ने, दौड़ दौड़ के भी जा रहे हैं, देखिए
दो दिन पहले भी हमने एक हल्का सा मौसम का दिखाया था आपको, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी शाम का टाइम आंधी तूफान के साथ, वही दृश्य आज फिर उपस्थित हो रहा है और गर्मी का नामो निशान नहीं है। देखिएगा काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वापसी करना शुरू किया है अभी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, मंदिर के यात्री जो हैं वो लाइन में लगे ही हैं देखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हों वो लोग यहाँ काफ़ी समय बिताते हैं, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज का संडे काफ़ी उथल पुथल भरा है देखिएगा, कई लोग फटाफट यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ये देखिएगा काफ़ी बड़ी तादाद है वापसी करने वाले लोगों की। और इस समय बारिश पड़ चुकी है, बारिश धीरे 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 बढ़ते जा रही है और हम भी बारिश में ही बैठे हैं, तो हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। ये हमारा माइक कंट्रोल रूम है, तो आज बारिश काफ़ी पड़ चुकी है। संडे 30 अप्रैल 2023, गायें भी वापस जा रही हैं देखिएगा, गायें भी वापस जाने लगी हैं, गोद में बच्चे भी हैं लोगों के देखिए। Gracias.